स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले पारस डिफेंस के बारे में। आप देख सकते हैं पारस एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, आपको उसके नाम से ही पता चल जाता है पारस डिफेंस। और ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, और ये सभी प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है जो भी इस पे डिफेंस में लगते वाले। दोस्तों आप देख सकते हो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन फॉर डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशन विद फोकस ऑन डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर। फाइव वर्टिकल बिजनेस नेमली डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पल्स प्रोटेक्शन सोल्यूशन एंड नीचे टेक्नोलॉजीज। आप देख सकते हैं इनकी वराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है दोस्तों मार्केट में। देख सकते हो ये रॉकेट एंड मिसाइल प्रोग्राम में काम करती है दोस्तों ये कंपनी आगे जाके अच्छा फ्यूचर है दोस्तों इस कंपनी का। और इसमें अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, इस करेक्शन का फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। ये अपना इसका आईपीओ अभी अभी लॉन्च हुआ था दोस्तों, और ये आईपीओ के बाद बहुत भाग चुका था और हीवीली प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है दोस्तों। इसमें आपको अभी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है दोस्तों ये शेयर। अभी आपको मिल जाता है तो आप बटोर लीजिए शेयर और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। और देखिए अभी स्पेस एंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में भी ये काम करते हैं, नवाल सिस्टम में भी काम करते हैं दोस्तों। देख सकते हो लैंड एंड आर्मर्ड व्हीकल में भी ये कंपनी काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर एंड सर्वेलियंस में भी ये कंपनी काम। तो बहुत सारे इनके प्रोडक्ट है दोस्तों, और DRDO ये सभी डिफेंस जो भी है अपनी उन सभी के साथ इनका चलता है काम दोस्तों। और अभी हमारी कंपनी की शेयर प्राइस पे आप देख सकते हो तो इसका शेयर प्राइस चल रहा है दोस्तों 557 रुपीज, और इसका 52 वीक लो देखिए दोस्तों 175 रुपीज, और 52 वीक हाई देखिए 1258 रुपीज। ये लिस्ट ही हुआ था दोस्तों 500 रुपीज की, और इसका ये आईपीओ प्राइस है दोस्तों 175, और इसकी अपर ब्रांड प्राइस है दोस्तों अपर ब्रांड। और ये वहाँ से डायरेक्ट लिस्ट हुआ है दोस्तों 500 रुपीज पे, और फिर लिस्ट होने के बाद भी इतना भाग चुका था दोस्तों 1258 रुपीज पे जा चुका था, और वहाँ से इसमें इतनी गिरावट हो चुकी है। अभी इस करेक्शन का फायदा उठाइए दोस्तों और इसमें इन्वेस्ट कीजिए, छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते रहिए क्योंकि इस शेयर में हर करेक्शन हो सकता है दोस्तों। और अभी हमारे देख सकते हो मैक्सिमम और मिनिमम 492 पे लिस्ट हुआ था, और वहाँ से चढ़ के 1200 के ऊपर भी जा चुका था दोस्तों। और अभी देख सकते हो वन साइडेड करेक्शन चालू है दोस्तों, इसमें ये और करेक्ट हो सकता है दोस्तों मैक्सिमम। आप देखोगे तो जिसको भी ये आईपीओ लगाए वो अभी भी प्रॉफिटेबल है दोस्तों। अगर आईपीओ नहीं लगाए, आईपीओ लॉन्च होते ही मार्केट में लिस्ट होते ही खरीदा है वो शेयर ये वो भी अभी भी 14% की प्रॉफिट के दोस्तों। और देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 2170 करोड़, तो स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी। अगर ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे से वेल्थ बना के दे सकते हैं, और देख सकते हैं पिछले 6 महीने में ये 23% डाउन है दोस्तों। आप देखिए 23.73% तक डाउन चल रहा है, आपको 24 दिख रहा है मगर ये 50-60% से ऊपर डाउन है दोस्तों। और ईयर टू डेट में देखिए 24% डाउन है। और अभी हमारी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास है 58.94%, ये फाइज है 0.23%, DIIs है 0.23%, और पब्लिक है 38%। हम देखेंगे आगे दोस्तों DIIs थे 7.6% दोस्तों, और उन्होंने प्रॉफिट बुक करके ही वाली प्रॉफिट बुक किया दोस्तों। और अभी उनकी बची है मार्च 2022 में उनके पास 2.63%, और FIIs देखो FIIs ने तो पूरे प्रॉफिट बुक कर लिए दोस्तों। आप ऐसा भी बोल के चल सकते हो 4.36% थी दोस्तों उनकी, और उन्होंने अभी 0.23% कर दिया है। और इसकी पीयर्स कंपनियां देख सकते हो दोस्तों भारत डायनामिक सेंसेंट टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हो भारत डायनामिक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 13,343 करोड़, और इसके मुकाबले पारस डिफेंस बहुत ही दूर है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और ये छोटी कंपनी है दोस्तों, ये रिस्की स्टॉक है, आप इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज अभी थोड़ा इंतजार कर सकते हो, अभी थोड़ा क्रैश हो सकता है ये शेयर, अदरवाइज आप छोटी छोटी क्वांटिटी उठाते रहिए, एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा आपको। अभी हम आते कंपनी के रेवेन्यू पे, आप देख सकते हो कंपनी कंटिन्यूअसली अपने रेवेन्यू में ग्रोथ करने की देख रही है। आप देखिए थोड़ा सा नीचे ऊपर हो रहा है मगर 2022 में कंपनी ने अपने रेवेन्यू का ब्रेकआउट दे दिया है दोस्तों। आप देख सकते हो 180 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी, और नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों 2022 में कंपनी ने 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है दोस्तों। आप देख सकते हो इस कंपनी के पास शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करती है दोस्तों 1 करोड़ तक, और नेट प्रॉफिट देखिए क्वार्टरली है 10 करोड़। और अभी आप देख सकते हो रिजर्व कंपनी कंटिन्यूसली अपने रिजर्व बढ़ाती जा रही है दोस्तों, 20 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, देख सकते हो 2021 और 2022 में अभी इनके पास 339 करोड़ के रिजर्व अवेलेबल है दोस्तों। और देखिए ये इसका फेस वैल्यू है 10, और आईपीओ प्राइस बैंड देखिए दोस्तों इसका 165 to 175 रुपीज़ था, और डायरेक्टली ये लिस्ट हुआ है 400 के ऊपर ही लिस्ट हुआ था दोस्तों, और वहाँ से भी भाग के 1200 रुपीज़ तक जा चुका था। तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है दोस्तों लोगों ने इसमें, तो अभी इस करेक्शन का फायदा उठाइए और छोटी छोटी क्वान्टिटी ऐड करती रहिए। मुझे नहीं लगता दोस्तों ये 175 रुपीज़ तक आएगा,
तो आप अभी से इसमें इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, छोटा छोटा क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए इस शेयर की, ये शेयर छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, और ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, तब आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो इस शेयर में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।